हेलो, नमस्कार दोस्तों। 7 अप्रैल 2018 की द हिंदू एडिटोरियल डिस्कशन में आपका स्वागत है। यहाँ पे हम द हिंदू के इम्पोर्टेंट एडिटोरियल्स हैं वो डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चलिए हमारी डिस्कशन है वो स्टार्ट करते हैं। आज का सबसे पहले जो आर्टिकल है वो है डिस्कस करने वाला, वो है ट्रेड वॉर से रिलेटेड। किससे? इसमें मेनली चाइना और यूएसए का जो ट्रेड वॉर चल रहा है उसके बारे में यहाँ पे डिस्कस है वो क्या गया। तो हमारे लिए जो बेसिक पॉइंट है एक बार उनको हम यहाँ पे देख लेते हैं। कंटेक्स्ट देखो ये है कि चाइना के से जो भी सामान यूएसए में जाता था, यूएसए जो सामान चाइना से इंपोर्ट करता था उसके ऊपर एक्चुअली यूएसए ने 25% इंपोर्ट ड्यूटी वगैरह वो लगा दिया, मेनली स्टील के ऊपर और एल्यूमिनियम के ऊपर 10%। तो आपको ये परसेंटेज वगैरह याद रखने की जरूरत नहीं है, बस आपको सारा कंटेक्स्ट और जो प्रोसीजर है वो समझने की यहाँ पे जरूरत है। सबसे पहली बात है कि ट्रेड वॉर हो तो क्या। ट्रेड वॉर होता है कि भाई ट्रेड को लेकर आपस में जो लड़ाई हो रही है एक तरीके से, कि पहले तो यूएसए ने एक्चुअली इंपोर्ट ड्यूटी वो बढ़ा दी, इसके बाद चाइना ने भी इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा दी कि भाई हम भी यूएसए से जो सामान खरीदते हैं उस पर इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा रहे हैं। एक तरीके से प्रोटेक्शनिज्म की जो पॉलिसी है उसको यहाँ पे बढ़ावा वो दिया जा रहा है। तो मेनली जो यहाँ पे राइटर हैं वो एक्चुअली यूएसए के जो राष्ट्रपति है ट्रंप साहब, उनको यहाँ पे क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि वो केवल और केवल अपनी पॉपुलरिटी के लिए यहाँ पे इसके हथकंडे हैं वो अपना रहे हैं, क्योंकि इस चीज से जो भी वो एक तरीके से हथियार जो वेपन्स अभी यूज कर रहे हैं, एक तरीके से जो तरीके यूज कर रहे हैं चाइना के खिलाफ, उनसे कोई फायदा नहीं होने वाला है यूएसए को, उल्टा यूएसए को नुकसान ही होने वाला है। क्योंकि इस तरीके से अगर ट्रेड के ऊपर लिमिट लगाई जाएगी, एक तरीके से ट्रेड को रोका जाएगा, तो उसका नुकसान क्या होगा कि यूएसए के लोगों को चीजें वो सस्ते रेट पर नहीं मिल पाएंगी और ऑब्वियसली वहाँ पे कहीं ना कहीं चीज का ड्रॉबैक है, नुकसान वो देखने को मिलेगा और वहाँ की इंडस्ट्री भी इतना फायदा वो नहीं उठा पाएंगे इस चीज का। अब देखो यहाँ पे राइटर वो बता रहे हैं कि जैसे ही यूएसए ने चाइना की से जो स्टील इंपोर्ट किया जाता है उस पर ड्यूटी बढ़ाई, तो उसका नुकसान क्या हुआ। उसका नुकसान देखा जाए तो चाइना को तो ये होगा भाई चाइना का जो स्टील है वो एक्चुअली यूएसए में अब नहीं जा पाएगा क्योंकि उसके ऊपर रेट है वो महंगी कर दी। ट्रंप ने ऐसा किया क्यों? देखो ट्रंप ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि वो ऐसा चाहते हैं, वो उनका ऐसा मानना है कि अगर हम चाइना से जो स्टील आता है उसके ऊपर अगर हम उसको महंगा कर दें, वो हमारे चाइना यूएसए के अंदर महंगा आके बिकेगा, तो जो यूएसए की जो डोमेस्टिक कंपनी ना स्टील बनाती है वो अपना सस्ता प्रोडक्ट आराम से बेच सकती है। क्योंकि अभी हो रहा था कि चाइना बहुत ही सस्ती रेट पे स्टील है वो प्रोड्यूस करके यूएसए में भेजा था, जबकि यूएसए की कंपनियां उतनी सस्ती रेट पे स्टील है वो प्रोड्यूस नहीं कर पा रही थी, तो इसकी वजह से वहां की डोमेस्टिक कंपनियां वो कांटे में जा रही थी। और इसीलिए ट्रंप ने ऐसा स्टेप उठाया कि भाई जो चाइना से स्टील या एल्यूमिनियम आ रहा है उसको हम इम्पोर्ट ड्यूटी लगाकर महंगा करते हैं। जैसे कि वो अभी मान लो कि चाइना से जो स्टील और एल्यूमिनियम जा रहा है यूएसए वो जा रहा है कि 100 रुपए के हिसाब से जा रहा है, 100 रुपए के जी के हिसाब से, बट अभी ट्रंप ने क्या किया, ट्रंप ने कह दिया कि नहीं भाई 25% बढ़ा दी हमने ड्यूटी, मतलब 125 रुपए पर के जी के हिसाब से वहां पे स्टील जा रहा है, जबकि वहां की जो इंडस्ट्री है वो प्रोड्यूस कर रही होंगी अब 120 के आसपास, तो ऑब्वियसली चाइना जो यूएसए की इंडस्ट्री है स्टील प्रोड्यूस करने वाली उनको फायदा हो जाएगा क्योंकि वो 120 में ही प्रोड्यूस कर रही है, तो वहां के जो कस्टमर है वो 120 वाला सामान वो खरीदेंगे। बट राइटर का ऐसा कहना है कि भाई देखो 120 वाला सामान तो खरीदेंगे, बट एक तरफ से देखा जाए तो वहाँ के लोगों को नुकसान हो रहा है ना। पहले वही सामान था वो 100 रुपये में मिल रहा था क्योंकि चाइना है वो तो 100 रुपये में वहीं पे भेज रहा था, तो लोगों को तो चीज़ें महंगी मिल रही है ना, तो वो कहीं ना कहीं ट्रेड वार है वो एक तरह से प्रक्रिया वो आगे चलती जा रही है। मतलब यहाँ पे एक चीज आती है टैरिफ बैरियर, दो चीज, एक चीज तो यहाँ पे टैरिफ बैरियर, इसी के साथ हम डिस्कस कर लेते हैं कि नॉन टैरिफ बैरियर क्या होते हैं। देखो टैरिफ बैरियर वो होते हैं कि जब कोई भी कंट्री है वो क्या करती है टैरिफ वगैरह बढ़ा देती है, जैसे कि यहाँ पे यूएसए ने भी इंपोर्ट ड्यूटी वगैरह बढ़ा दी स्टील वगैरह पे, तो वो हो गया टैरिफ बैरियर, या तो टैक्स वगैरह लगा दे, कस्टम ड्यूटी वगैरह लगा के जो टैक्स बढ़ाया जाता है उसको बोलते हैं टैरिफ ड्यूटी या टैरिफ बैरियर के द्वारा चीजें महंगी कर देना। नॉन टैरिफ बैरियर का मतलब क्या होता है कि इनडायरेक्टली जो रेट है वो महंगी कर जाती है। इनडायरेक्टली रेट कैसे महंगी, जैसे कोई भी पॉलिसी बना देते हैं कि नहीं भाई हम तो केवल बाहर से हैं, केवल 100 kg स्टील है वो एक साल में इम्पोर्ट करेंगे, या फिर हम केवल इस तरह की जो कंपनी है वो एक्चुअली ग्रीन एनर्जी को यूज करती है उसी से हम स्टील है वो इम्पोर्ट करेंगे, तो इस तरीके के जो टर्म्स एंड कंडीशन लगा दी जाती है वो आती है नॉन टैरिफ बैरियर में। मतलब उनमें डायरेक्टली आप ये नहीं कहते कि नहीं भाई हम स्टील नहीं खरीदे, इनडायरेक्टली आप इस तरीके के हथकंडे बनाते हो कि स्टाफ स्टील है वो नहीं इम्पोर्ट कर सकते, तो वो चीजें यहाँ पे आती हैं। अब देखो यहाँ पे राइटर वो बता रहे हैं कि चाइना है वो वर्ल्ड का लगभग 50% स्टील है वो अकेला प्रोड्यूस करता है, जबकि यूएसए है वो केवल चाइना से 3% स्टील है वो खरीदता है, बाकी जो स्टील की डिमांड होती है यूएसए में वो कनाडा और मेक्सिको से कम पूरी है वो की जाती है। तो एक तरीके से देखा जा रहा है कि ऐसी बात नहीं है कि चाइना से स्टील हो जा रहा था, स्टील तो बाकी और कंट्री से भी वहां जा रहा था, बट ट्रंप की जो पॉलिसी है वो कहीं ना कहीं यहाँ पे गलत है। और जो ही ट्रंप ने यहाँ पे इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाई तो उसी के साथ हुआ क्या, उसका रिएक्शन ये हुआ कि चाइना ने भी जो यूएसए से गाड़ियां वगैरह आती है महंगी गाड़ियां उनके ऊपर इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा दी ताकि यूएसए का सामान चाइना में ना आए। तो देखो इसका नुकसान क्या होगा, इसका नुकसान ये हो जाएगा कि चाइना का सामान अब यूएसए में नहीं जा पाएगा और यूएसए का सामान अब चाइना में नहीं जा पाएगा, तो ऑब्वियसली ट्रेड को कहीं ना कहीं नुकसान है वो होने वाला। तो ये कहीं ना कहीं किसी एक कंट्री के लिए अच्छी नहीं है, ये किसी भी कंट्री के लिए यहाँ पे अच्छी वो सामने नहीं है। इसके बाद सबसे कमाल की बात आती है वो यहाँ पे डिस्कस की जाती है, वो की जाती है डब्ल्यूटीओ के बारे में, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। देखो डब्ल्यू
WTO है वो आया था 1995 में, इससे पहले था गाट, तो गाट के बाद में आया था WTO। WTO उस टाइम पे डेवलप कंट्री लेके आई थी, विकसित कंट्री का कॉन्सेप्ट लेके आई थी कि भाई ग्लोबलाइजेशन होना चाहिए, वैश्वीकरण होना चाहिए और इसका फायदा ये होगा। उस टाइम पे देखो डेवलप कंट्री थी, उन्होंने अपने फायदे के लिए चीज को लेके आए थे कि हम बाहर की जो डेवलपिंग कंट्रीज है वहां पे एक्चुअली ट्रेड वगैरह करेंगे तो उन कंट्रीज को भी फायदा होगा, हमें भी फायदा होगा। बट आज हुआ क्या, आज सीन ऐसा हो गया कि ग्लोबलाइजेशन की वजह से इंडिया और चाइना जैसी जो कंट्रीज है वो भी एक्चुअली मैन्युफैक्चरिंग काफी चकने लगी है। तो उस चीज का जो WTO का जो फ्री ट्रेड का एग्रीमेंट था वो एक्चुअली आज इंडिया और चाइना को बेनिफिट दे रहा है। तो इंडिया और चाइना को बेनिफिट हो रहा है, तो जो डेवलप कंट्री है, जो विकसित कंट्री है, US वगैरह, UK वगैरह हुई, इन कंट्रियों को डर लग रहा है कि यार हम ये फायदा तो हमें होना चाहिए था, जबकि फायदा है वो उठा रही है अभी चाइना और इंडिया जैसी कंपनीज, तो उसके लिए क्यों ना क्यों हम इस चीज को क्रिटिसाइज करें। तो आज जो डेवलप कंट्री है, USA जैसी कंट्रीज है, वो WTO का साथ वो नहीं दे रही है, मतलब आज वो उनके अकॉर्डिंग काम नहीं कर रहे, तो उनको सपोर्ट वो नहीं कर रही है, तो वो बात सामने आ रही है। इसके बाद में देखो बात ये आ रही है कि ट्रंप साहब है वो ना तो TPP को साथ लेके चल पाए, ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप को, ना ही ईरान की जो न्यूक्लियर ड्यूल है उसको साथ लेके चल पाए, ना ही पेरिस क्लाइमेट चेंज को और ना ही नाफ्टा को। मतलब यहाँ पे ट्रंप के द्वारे में ये कहा जा रहा है कि भाई ट्रंप कोई भी एक ऐसी पॉलिसी नहीं है जिसको वो साथ लेके चल रहे हैं, वो केवल सारी पॉलिसीज हैं उनका बखेड़ा खड़ा कर रहे हैं और कोई भी उस चीज से फायदा वो USA को नहीं होने वाला। ट्रंप केवल और केवल जो काम कर रहे हैं वो शॉर्ट टर्म के लिए पॉपुलरिटी के लिए काम कर रहे हैं, जो कि कहीं ना कहीं USA की इकोनॉमी को लॉन्ग टर्म में नुकसान है पहुंचाने वाला है। तो ये सारी बात यहाँ पे डिस्कस की गई है, तो जो बेसिक पॉइंट थे वो हमने यहाँ पे डिस्कस की है। चलते हैं हम नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो एक्चुअली सलमान खान के केस के बारे में है, हंटिंग का जो केस था सलमान खान का 1998 का, राजस्थान में उन्होंने ब्लैक बक हिरण का जो शिकार किया था, काले हिरण का शिकार किया था, उसके वजह में उनको जो केस है वो लगा था, तो उसका अभी रिजल्ट आ गया। तो उस बात पे यहाँ पे राइटर उस आर्टिकल को डिस्कस करें। राइटर का देखो ये कहना है कि देखो जुडिशियरी है, हाँ उसमें डिले जरूर हुआ, हालांकि 20 साल बाद जो फैसला आया हुआ है, बट सत्य की जीत है वो यहाँ पे हुई है और कहीं ना कहीं इस चीज का जो सारा श्रेय है वो यहाँ पे राइटर वो दे रहे हैं बिश्नोई कम्युनिटी को। राइटर के द्वारा ये कहा जा रहा है कि देखो जो बिश्नोई कम्युनिटी थी जिसने एक्चुअली सलमान खान के खिलाफ केस किया कि भाई उन्होंने काले हिरण का शिकार किया है, वो कहीं ना कहीं अच्छी बात है। अब हम थोड़ा सीन ये देख लेते हैं कि भाई बिश्नोई कमेटी ने कौन कौन से ऐसे स्टेप लिए हैं, क्या क्या सारा केस हुआ था, जो बेसिक पॉइंट UPSC हमें प्रीलिम्स वगैरह भी पूछ सकती है और एक दो पॉइंट हमारे लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। सबसे पहले यहाँ पे बात आती है कि देखो सत्य की तो जीत हुई हुई है, इसके साथ ही ब्लैक बक के बारे में दो तीन फैक्टर वो देखते हैं। ब्लैक बक है, काला हिरण है, वो एक्चुअली IUCN की लिस्ट कंकन लिस्ट में, ये चीज हमें ध्यान रखनी है कि IUCN की जो लिस्ट कंकन लिस्ट है उसमें ब्लैक बक है वो शामिल है। इससे के साथ ही इंडिया का जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 उसके 6 शेड्यूल हैं, उनमें फर्स्ट शेड्यूल में इसको रखा गया है। मतलब इसमें आपको बता दूं कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के जो 6 शेड्यूल हैं उसमें पहले और जो दूसरे शेड्यूल में जो जानवर पक्षी या प्लांट्स वगैरह आते हैं उनको एक्चुअली काफी संरक्षण होता है, और उनका कोई भी शिकार वगैरह करता है तो उसको सबसे ज्यादा सजा वो होती है। इसके बाद में आता है यहाँ पे जो शेड्यूल 5 आता है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट का, शेड्यूल 5 उसमें एक्चुअली उन जानवरों को रखा जाता है, उन पेड़ पौधों को रखा जाता है जो कि इंसान की आजीविका के लिए नुकसान पहुंचाते हैं, जैसे कि कई बार नील गाय होती है वो किसानों के खेतों में से अनाज वगैरह वो खा जाती है, तो उसको एक्चुअली शिकार वगैरह के लिए अनुमति होती है कुछ टाइम के लिए, तो ऐसे जंगली सूअर वगैरह हुआ, तो इन चीजों के ऊपर लगाम लगाने के लिए वो आते हैं वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट का जो शेड्यूल 5 है उसमें, तो ये चीज हमें ध्यान रखनी है। इसी के साथ बात आती है यहाँ पे जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट का शेड्यूल 6 है उसकी। देखो शेड्यूल 6 में वो स्पीसीज आती हैं, मेनली वो प्लांट्स आते हैं यहाँ पे जिनका आप एक तरीके से ये बोल सकते हो कि उनकी खेती अलाउ नहीं होती है, जैसे कि एफीम वगैरह ये चीज़ें इनकी खेती है वो केवल परमिट के बाद ही अलाउ होती है, या फिर कुछ ऐसे पेड़ पौधे होते हैं जो किसी ना किसी बायोडाइवर्सिटी को नुकसान पहुंचाते हैं, उनकी खेती अलाउ नहीं होती है, वो कौन से के तहत होती है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट का शेड्यूल 6 है उसके तहत, तो ये चीज हमें यहाँ पे ध्यान रखनी है। तो हमने वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है शेड्यूल जो उसके 1, 2 और मेनली जो आगे शेड्यूल है 5, 6 इनके बारे में डिस्कस किया। बाकी में देखो शेड्यूल 3 में ही है कि भाई कम सजा होगी, शेड्यूल 4 में है कि और भी कम सजा होगी, ये सारे प्रावधान है, बट हमारे लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये है कि सलमान खान को जो सजा हुई है वो ये वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के शेड्यूल 1 के तहत, उन्होंने एक जो ब्लैक बग है वो उस लिस्ट में आता है जबकि उन्होंने उसका शिकार किया था, इसलिए उन्हें सबसे ज्यादा सजा है वो 5 साल की सजा है वो हुई है। इंडेंजर्ड ये स्पीसीज है और इंडिया, नेपाल और पाकिस्तान वाले एरिया में मेनली ब्लैक बग है वो पाया जाता है, तो ये इसके बारे में कुछ बेसिक फैक्ट्स थे वो हमने डिस्कस की। अब देखो यहाँ पे राइटर ये बता रहे हैं कि देखो जो बिश्नोई कम्युनिटी थी उसका काफी अहम रोल ये होता है, क्योंकि जब भी कहीं अगर कोई पोचिंग वगैरह कोई शिकार वगैरह होता है तो उस कंडीशन में जो लोकल एरिया होते हैं ना उनको सब पता होता है कि कहाँ तो ये जानवर पाया जाता है कौन से एरिया में, तो अगर लोकल एरिया लोकल कम्युनिटी अगर सरकार के साथ मिलकर आती है और अगर वो प्रोटेक्शन या वो कंजर्वेशन की तरफ स्टेप उठाती है तो उस चीज का सब फायदा बहुत ज्यादा होता है। और यही एग्जाम्पल दिया जाता है यहाँ पे
राजस्थान की जो बिश्नोई कम्युनिटी है उसका, कि बिश्नोई कम्युनिटी ने सरकार के साथ मिलके और उन्होंने सलमान खान के खिलाफ केस किया और उन्होंने इस मामले में काफी से स्टेप उठाए और जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के तहत जो भी प्रावधान किए गए थे इसके तहत उन्होंने सजा है वो दिलवाई है और उन्होंने वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के तहत बहुत अच्छे स्टेप भी उठाए। मतलब वो प्रकृति प्रेमी लोग होते हैं और उन्होंने बहुत अच्छे स्टेप उठाए जो कहीं ना कहीं एक संदेश देते हैं हमारी सोसाइटी में कि भाई हमें जानवरों के साथ प्यार रखना चाहिए और हमें एनिमल्स वगैरह उनको सपोर्ट करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम किसी जानवर वगैरह का उनका शिकार वगैरह करें। तो कुछ बेसिक पॉइंट उन्होंने यहाँ पे दिए कि लोकल कम्युनिटी है अगर वो साथ मिलकर काम करती है सरकार के साथ या जो फॉरेस्ट जो एरिया होते हैं उसके साथ मिलकर काम करिए तो कहीं ना कहीं जो शिकारी जैसी जो एक्टिविटीज हैं उनके ऊपर लगाम है वो लगाई जा सकती है। तो हमने यहाँ पे जो बेसिक पॉइंट थे इस केस के बारे में वो हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिए जो कि यूपीएससी में पूछ सकती है। चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो एक्चुअली आया है रिसर्च एंड डेवलपमेंट के बारे में। एक्चुअली है बीजेपी के जो पॉलिटिशियन है उनके द्वारा ये लिखा गया, बट हमारे लिए इस आर्टिकल में कुछ पॉइंट्स हैं जो हम यूज कर सकते हैं। जो पॉलिटिकली मोटिवेटेड आई पॉइंट्स है वो हम यहाँ पे डिस्कस नहीं करें, हम केवल वही पॉइंट डिस्कस करें जो हमारे लिए एग्जाम में इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। इस आर्टिकल में ये डिस्कस किया गया है कि देखो हमारे देश में रिसर्च एंड डेवलपमेंट है ना उस पर ज्यादा फोकस नहीं किया जाता है। हमारे देश में स्टार्टिंग से जब एजुकेशन दी जाती है प्राइमरी लेवल से उस टाइम पे केवल एक ही चीज पे फोकस किया जाता है कि जैसे तैसे कैसे भी पढ़ो रट लो जैसे भी है एग्जाम में मार्क्स लेके आ जाओ अच्छे मार्क्स आने चाहिए उसके बाद जल्दी से एक नौकरी मिल जानी चाहिए उसके बाद आप सेटल हो गए बस ठीक आपको मंथली इनकम आ रही है तो इनफ। तो राइटर ये कह रहे हैं कि देखो इससे ज्यादा भी बहुत कुछ हो सकता है। हमारे जो शॉर्ट या नो जो नेरो थिंकिंग है यहाँ पे इसको हमें एक तरीके से ब्रॉड करना होगा और हमें केवल जॉब पे फोकस नहीं करना है हमें आगे रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे भी फोकस करना चाहिए क्योंकि कुछ आंकड़े भी यहाँ राइटर के द्वारा दिए गए हैं कि देखो रिसर्च एंड डेवलपमेंट में इंडिया काफी पीछे है। क्यों पीछे है? क्योंकि हमारी थिंकिंग ये होती है कि यार जैसे जैसे जॉब मिल जाए एक बार उसके बाद कुछ नहीं करना बस बाद में ऐसा और आराम ही है। तो हमें जो एरिया है हमारा उस एरिया को हमें एक्सपेंड करना होगा। इससे के साथ ही हमें जो कई बार पब्लिकेशन पे फोकस किया जाता है देखो हमारे देश में क्या है कॉपी पेस्ट पे बहुत ज्यादा बिल्यू किया जाता है इसीलिए एक ही चीज के बारे में बहुत सी बुक आती है उनमें सेम कंटेंट होता है तो इसलिए क्या होता है बुक्स पे बुक्स तो आ जाती है बट रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे रियल फोकस वो नहीं किया जाता है। केवल बुक तो छाप दी जाती है एक के बाद दूसरी बुक छाप देगी बट जो मेन काम है रिसर्च करना वो उस चीज पे फोकस बहुत कम किया जा रहा है। फिर यहाँ पे बात आती है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स की कि इंडिया की जो रैंक है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में इस साल वो रही है 60, लास्ट ईयर थी वो थी 66, मतलब रैंकिंग में सुधार हुआ है चलो अच्छी बात है। इसके बाद में थोड़ा एक डाटा ये दिया गया है कि पीएचडी अवार्ड दिए जाते हैं उसमें इंडिया थर्ड नंबर पे है ऑल ओवर वर्ल्ड में वो भी अच्छी बात है बट मेन बात यह है सबसे शर्मनाक बात वो हमारे लिए है कि अभी तक हमारे देश का कोई भी इंस्टीट्यूट है वो टॉप 100 इंस्टीट्यूट में नहीं है ऑल ओवर वर्ल्ड के। तो वो कहीं ना कहीं हमें इस चीज को इंडिकेट कर रहा है ये संकेत हमें दे रहा है कि भाई रिसर्च एंड डेवलपमेंट में हम बहुत पीछे और हमें कुछ ना कुछ स्टेप उठाने होंगे। फिर राइटर के द्वारा थोड़ा डाटा एक ये भी दिया गया कि देखो हमारे देश के अंदर देखा जाए तो पेटेंट के लिए जो भी रिक्वेस्ट वगैरह फाइल की गई है वो फाइल की गई है लास्ट ईयर है अप्रोक्सीमेट 46,000 के आसपास। देखो डाटा तो आपको याद रखने की जरूरत नहीं है बट आप अगर याद है तो मतलब एक तरीके से बोनस मार्क में आप ये देख सकते हो कि थोड़ा जो क्वेश्चन है आपका आंसर थोड़ा अट्रैक्टिव है वो हो जाएगा। जबकि वहीं देखा जाए तो चाइना के अंदर जो पेटेंट है वो अप्रोक्सीमेट 3 मिलियन के आसपास पेटेंट फाइल किए गए थे। मतलब इंडिया में ज्यादा इस चीज पे फोकस वो नहीं किया जा रहा है। अब इसके लिए जिम्मेदार एक चीज तो ये भी है कि हमारे देश में फंड वगैरह का भी बहुत बड़ा इश्यू है वो रहता है। और फिर एक राइटर के द्वारा बहुत सा सजेशन दिया जा रहा है यहाँ पे वो सजेशन ये है कि देखो रिसर्च एंड डेवलपमेंट है ना उसमें प्राइवेट सेक्टर को भी इन्वेस्टमेंट करना चाहिए जबकि हमारे देश में प्राइवेट सेक्टर वो इन्वेस्टमेंट बहुत कम कर रहा है। हमारे देश में रिसर्च एंड डेवलपमेंट है वो केवल और केवल गवर्नमेंट के ऊपर निर्भर गवर्नमेंट सेक्टर पर निर्भर कर रहा है। गवर्नमेंट जितना इन्वेस्टमेंट करती है उसी पर फोकस किया जा रहा है जबकि फॉरेन कंट्री में देखा जाए तो जो अमेजोन हुआ या फिर गूगल जैसी कंपनीज है वो एक्चुअली प्राइवेट इन्वेस्टमेंट पर ज्यादा फोकस करती है और केवल गवर्नमेंट की जिम्मेदारी नहीं होती है वहाँ पे जबकि हमारे देश में सारा काम गवर्नमेंट के ऊपर थोप दिया जाता है कि भाई जो भी काम करना है गवर्नमेंट पैसा खर्च करेगी बस गवर्नमेंट करिए वही फाइनल है। इसी के साथ राइटर कह रहे हैं कि देखो एजुकेशन सिस्टम में भी काफी कुछ कमी है क्योंकि हमारे देश में जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें केवल इसी फोकस किया जाता है कि भई आपको जॉब मिल जाए आपकी नौकरी हो जाए उसके बाद आपको मंथली पैसा वो मिलने लग जाए जबकि इस चीज की तरफ हमें इस चीज का ध्यान है वो हमें हटाना होगा हमें फोकस इस तरफ करना होगा ताकि हमें क्वालिटी की जो एजुकेशन है और जो क्वालिटी की रिसर्च है उसको लेकर सामने लेके आ सके। हमें ग्राउंड लेवल पे ऐसा माहौल बनाना होगा कि बच्चे हैं वो स्टार्टिंग से ही रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे फोकस करें ना कि रटाफिकेशन पे। अभी हमारे देश के एजुकेशन सिस्टम में क्या होता है केवल केवल बच्चों के मार्क्स पे फोकस किया जाता है उनको इसी तरीके से पढ़ाया जाता है इस क्लास में स्कूल वगैरह में कि भाई आपको ज्यादा से ज्यादा मार्क्स हैं वो लेके आने हैं। बट राइटर ये कह रहे हैं कि हमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट का माहौल बनाना होगा और बच्चों में स्टार्टिंग से इस मेंटेलिटी को क्लियर रखना होगा कि भाई आपको रिसर्च एंड डेवलपमेंट से बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है हमें हमारा जो दायरा है उसको एक्सपेंड करना होगा। ऐसा नहीं है कि हमारी एरिया को लिमिटेड रखें कि हाँ यार ठीक है बस जॉब लगी मेरे तो इससे ज्यादा मुझे क्या करना है बस मंथली मेरे पैसे आ रहे हैं रहने तो मैं क्यों काम करूँ।
इसके बाद में राइटर बता रहे हैं कि देखो जो ब्रिक्स कंट्रीज है ना, उनमें अगर रिसर्च एंड डेवलपमेंट में देखा जाए तो ब्राजील भी हमसे आगे है, रशिया भी हमसे आगे है, और ऑब्वियसली चाइना है वो भी हमसे आगे, केवल और केवल साउथ अफ्रीका वो हमसे पीछे रह गए, बाकी सारी कंट्रीज हमसे आगे हैं। तो हमें इन कंट्रीज से सीखना चाहिए और हमें और भी आगे वो जाना है। इसके साथ ही एक अच्छा कॉन्सेप्ट ये दिया जाता है कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है, इसके साथ भी हमें काम करना होगा, मतलब पब्लिक और जो प्राइवेट सेक्टर है इन दोनों को मिलकर आना होगा, तभी अच्छा रिजल्ट वो आएगा। क्योंकि देखो पब्लिक को का मतलब गवर्नमेंट का क्या कर सकती है, गवर्नमेंट ये काम कर सकती है कि कोई भी पेटेंट वगैरह है उसका काम जल्दी करवा सकती है कि भाई पेटेंट है वो जल्दी से क्लियर हो जाए, क्योंकि एक बार पेटेंट क्लियर होने में 5-5, 6-6 साल लग जाती है। तो पेटेंट अगर जल्दी क्लियर हो रहा है या फिर पेटेंट मिल जाता है या फिर जो भी डॉक्यूमेंटेशन की प्रोसीजर है अगर वो गवर्नमेंट जल्दी करवा देती है तो प्राइवेट सेक्टर काम आगे कर सकता है। तो एक तरीके से जो काम गवर्नमेंट का है वो गवर्नमेंट करे और प्राइवेट सेक्टर जो काम कर सकता है वो प्राइवेट सेक्टर करे, मतलब दोनों मिलकर काम करेंगे तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट में ज्यादा फायदा होने वाला है। इसके बाद आती है फंडिंग की, तो फंडिंग के लिए भी हमें कोई ना कोई स्टेप उठाना होगा और मेनली राइटर कह रहे हैं कि देखो प्राइवेट सेक्टर को भी इस सेक्टर में आगे आना होगा, तभी ज्यादा रिजल्ट आने वाला है। क्योंकि गवर्नमेंट हर सेक्टर में एक तरीके से अनलिमिटेड पैसा खर्च नहीं कर सकती, गवर्नमेंट की भी लिमिटेशन है, गवर्नमेंट के पास और भी बहुत से खर्चे होते हैं, तो कहीं ना कहीं प्राइवेट सेक्टर को भी इस समय फोकस वो करना होगा। लास्ट में थोड़ा सा डाटा और दिया गया है कि वो थोड़ा ये है कि देखो अगर एक चीज से ध्यान से देखा जाए तो 1 मिलियन जो पॉपुलेशन है उसमें देखा जाए तो हमारे देश में केवल केवल 216 रिसर्चर हैं, मतलब 10 लाख लोगों में से 10 लाख लोगों के ऊपर केवल 216 लोग हैं वो रिसर्च करते हैं इंडिया में। वहीं देखा जाए ये बात तो चाइना के अंदर है, वो है 1 मिलियन के ऊपर 1171 लोग रिसर्च करते हैं, रशिया के अंदर देखा जाए तो वह 3131 लोग हैं, और देखा जाए तो यूएसए के अंदर है वो है 1 मिलियन पे 4232 लोग हैं वो रिसर्च करते हैं। तो मतलब हमारी जो एरिया है वो बहुत कम है, केवल हम सैकड़ों तक ही पहुंचे, हमें जो रैंक हमें जो ये नंबर है इसको हमें आगे इंक्रीज करना है और हमें कहीं ना कहीं रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे आगे लेके आना है। इसके बाद में राइटर ये कह रहे हैं देखो ग्राउंड लेवल पे काम करने के लिए गवर्नमेंट ने एक अभियान चलाया है अटल इनोवेशन मिशन वगैरह, इसमें जो लोग हैं उनको पार्टिसिपेट करना होगा और इसे सक्सेसफुल बनाना होगा। ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट केवल पैसा खर्च कर देगी और ये मिशन अपने आप सक्सेसफुल हो जाएंगे, लोगों को साथ आना होगा तभी ये चीज सक्सेसफुल हो सकती है। इसके साथ ही बात ये आती है कि हमें जो एजुकेशन पॉलिसी है हमारे देश की उसको एक तरह से रीडिजाइन करना होगा और उसमें जो कुछ खामियां हैं उनको दूर करना होगा, फॉरेन कंट्री से हमें हेल्प लेनी होगी कि भाई किस तरीके से वहाँ का एजुकेशन सिस्टम है और हमारे माहौल को हमें चेंज करना होगा। इसके साथ ही हमारे जो एजुकेशन की मेंटेबिलिटी है कि रटा फिक्सन वाली उससे हमें ध्यान है वो हटाना होगा, तब भी हम हमारे देश में रिसर्च एंड डेवलपमेंट को आगे वो लेके आ सकते हैं। तो ये था कंप्लीट आर्टिकल, देखते हैं आज हमने कौन कौन से आर्टिकल डिस्कस किए। सबसे पहले हमने ट्रेड वार के बारे में डिस्कस किया कि चाइना और यूएसए के बीच में क्या हाल बने रखे हैं। इसके बाद में हमने हंटिंग केस देखा कि सलमान खान का हंटिंग केस था, उसमें बिश्नोई कम्युनिटी का अहम रोल था और जो ब्लैक बक था वो कौन सी लिस्ट वगैरह में आता है। इसके साथ ही हमने देखा कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट है वो किस लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है और इंडिया में क्या क्या खामी है और क्या क्या इंडिया को स्टेप उठाने चाहिए। तो ये थी हमारी आज की डिस्कशन, फिलहाल की डिस्कशन में इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।